गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि जो व्यापार होता है या अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, या अपन बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो व्यापार होता है वो कितने प्रकार का होता है, या अपन बात करेंगे कि व्यापार की कुछ शर्तें होती हैं, यानी व्यापार करने के लिए कुछ निश्चित शर्त होती है कि उनके आधार पर अपन व्यापार करेंगे। यानी अपन किसी को एक वस्तु दूसरे देश को अगर आदान प्रदान करें तो उनके उसका कुछ बेस होगा, उनकी कुछ शर्तें होगी आदान प्रदान करने के लिए, तो अपन उनके बारे में बात करेंगे। या अपन बात करेंगे कि व्यापार का आधार क्या होता है, यानी व्यापार किस आधार पर अपन व्यापार करेंगे एक देश को दूसरे देश से। अपन के पास में कुछ होगा तो अपन उस चीज़ का या उस वस्तु का आदान प्रदान करेंगे, तो इसके लिए कुछ आधार होने बहुत जरूरी है। जैसे आज अपन बात करने वाले हैं मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर मैं आपको सामान्य रूप से सरल भाषा में अगर एक ही लाइन में बताऊं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसे कहेंगे जो विश्व के विभिन्न देशों के मध्य, चाहे दो देश हो, चाहे तीन देश हो, चार देश हो, उनके मध्य आपस में जो व्यापार होता है एक देश से दूसरे देशों के मध्य, उन देशों को अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। चाहे अमेरिका का भारत के साथ हो, चाहे चीन का भारत के साथ हो, चाहे अपन चीन का, चाहे भारत का, चाहे यूरोपीय देशों के साथ हो, जो व्यापार होता है उस व्यापार को अपन क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा, या इसको अपन किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य, यानी विश्व स्तर पर जितने भी देश हैं उन देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं, सेवाओं एवं विचारों, या अपन कोई चीज उनको वस्तु भेजेंगे, जैसे अपन कहेंगे कि खनिजों का आदान प्रदान करना, या कृषि जो फसलें होती हैं उनका आदान प्रदान करना खाद्यान्न फसलों का, या चाय कॉपर नकदी फसलों का आदान प्रदान करना, या अपन कहेंगे कुछ ऐसे जैसे डॉक्यूमेंट होते हैं कुछ अपन के, या कुछ ऐसी सेवाएँ होती हैं जिनका अपन को, जैसे मशीनरी सेवाएँ हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उनका आदान प्रदान करना, तो इस प्रकार से। तो जो अपन एक देश से दूसरे देश के मध्य इन वस्तुओं, सेवाओं, या अपन कह सकते हैं विचारों का आदान प्रदान या आयात निर्यात अपन करते हैं, उस आयात निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी विश्व स्तर पर जो एक मंच होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच कहते हैं। उसके हिसाब से यानी एक देश के मध्य, एक देश से दूसरे देश के मध्य जो वस्तुओं या सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अब अपन बात करते हैं, जैसे कोई भी व्यापार हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, चाहे अपन कह सकते हैं राष्ट्रीय व्यापार हो, ये तो अपन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा बता दी। अब अपन व्यापार की जो शर्तें होती हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे राष्ट्रीय व्यापार हो, उनकी कुछ शर्त होती है, उन शर्तों के अनुसार अपन बात करते हैं, जब शर्तों को समझते हैं। जैसे जिन पक्षों के बीच व्यापार होना है उनमें संपर्क होना आवश्यक है। अब जैसे दो देशों के बीच में अगर व्यापार होना है तो उन देश दोनों देशों के मध्य संपर्क होना अति आवश्यक है। अगर संपर्क नहीं है तो अपन व्यापार कैसे करेंगे, तो पहली बात तो यही होगी। इसलिए उन दो देशों के मध्य संपर्क होना बहुत जरूरी है, या वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने या आपस में जुड़े हुए होना बहुत जरूरी है व्यापार के लिए, पहली बात, पहली शर्त। दूसरी बात करते हैं, दोनों पक्षों के पास विनिमय के लिए कोई ना कोई अतिरिक्त माल होना चाहिए। अब जैसे कोई भी जो दो देश है, मान लो वो व्यापार करते हैं, तो उनके पास में कुछ ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए जिनका वो व्यापार कर सके। अगर अमेरिका और भारत की बात की जाए तो अमेरिका के पास कुछ ऐसे खनिज संसाधन है या ऐसी मशीनरी है जो भारत को व्यापार की जाती है, जो भारत में नहीं है, और जो भारत में है जैसे चाय वगैरह, जो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं या अभ्रक वगैरह है जो केवल भारत में होती है, एकाधिकार है, तो वो अपन अमेरिका को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी आदान प्रदान कर सकते हैं उन वस्तुओं का। अगर भारत की जनसंख्या अधिक है, वो भारत के लिए भी पर्याप्त नहीं है, तो अपन उस चीज़ का आदान प्रदान नहीं कर सकते, पहली बात। तो भारत में वो वस्तु होनी आवश्यक है जो अतिरिक्त हो, उस वस्तु का अपन क्या कर सकते हैं, विश्व स्तर पर अपन आयात निर्यात कर सकते हैं या व्यापार के रूप में उसका कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये होना जरूरी है कि वो वस्तु दूसरे उस देश के पास में है या नहीं है, या उसकी जो मात्रा है उसके पास में कम है या ज़्यादा है। अगर कम होगी तो वो अपन की चीज़ लेगा,
तो वो एक तो उस चीज की मात्रा या उस पदार्थ की भिन्नता डिफेंड करती है, और जो वस्तु अपन के पास है वो अतिरिक्त है तब अपन उस देश से व्यापार करेंगे। तो ये दो बातें मुख्य रूप से डिपेंड करती है। फिर अपन बात करते हैं तीसरी, अतिरिक्त माल में भिन्नता होनी चाहिए। अब जैसे अपन के पास में, अपन जैसे भारत और चीन की बात की जाए, तो अपन के पास में कुछ ऐसी सामग्री, जैसे नेपाल की बात की जाए, नेपाल भूटान कोई, तो हमारे पास में कुछ ऐसी वस्तु है जो चीन में, जो नेपाल में नहीं होती है, तो अपन उस चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर हमारे पास चाय है और नेपाल के पास में भी चाय है, तो हमारी चाय नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से उपलब्ध है। इसलिए दोनों वस्तुओं में भिन्नता होनी जरूरी है, दोनों वस्तु अलग अलग होनी जरूरी है, तभी व्यापार होगा मुख्य रूप से। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अगली, दोनों पक्षों को एक दूसरे के अतिरिक्त माल की आवश्यकता होनी जरूरी। अब अपन के पास में माल तो है, लेकिन क्या वो माल आगे वाला जो देश है वो लेने के लिए सक्षम है, या वो इतना पावरफुल है आर्थिक रूप से कि वो अपन का माल ले सके? तो दोनों देशों के मध्य संबंध होने से जरूरी नहीं है, दोनों देशों की जनसंख्या अधिक होने से जरूरी नहीं है, दोनों देशों के मध्य जो आदान प्रदान करने की क्षमता है उसका होना बहुत जरूरी है। जैसे अपन के पास में कोई चीज़ अतिरिक्त है, जैसे अब्रक, अपन भारत में सबसे ज़्यादा अब्रक होता है तो विश्व के देशों में निर्यात किया जाता है, तो कुछ ऐसे देश हैं जो भारत से अब्रक नहीं मंगा सकते, कुछ ऐसी भी कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते, कुछ भी कारण हो सकते हैं विश्व स्तर पर। तो उनमें जो होता है आर्थिक रूप से जो देश मंगाने के इच्छुक है, या उनमें उस चीज़ की न्यूनता हो, वो वहाँ पर नहीं हो और वो उनकी खपत वहाँ पर ज़्यादा हो, तो वो देश अपन से मंगवाएगा दूसरी अतिरिक्त वस्तु, तो ये होना भी जरूरी है। तो मैंने आपको चार चीज़ें बताई, एक तो दोनों देशों के मध्य संपर्क होना जरूरी आपस में, और दोनों देशों के मध्य जो वस्तु आदान प्रदान हो रही है वो वस्तु अलग अलग होनी चाहिए, फिर दोनों देशों के मध्य अपन कह सकते हैं जो अतिरिक्त वस्तु है उसका अपन दूसरे देश को भेजेंगे, या अपन कह सकते हैं कि उस देश के लिए, या जो अपन जिस देश को बेच रहे हैं उसके लिए वो क्षमता या उपभोग करने की क्षमता होनी जरूरी है, कि वो उतनी वहाँ पर जनसंख्या है कि नहीं, अपन वो देश अपन से लेगा कब, जब वहाँ पर उपभोग ज़्यादा होगा। तो ये चार चीज़ें होनी जरूरी है। अब अपन बात करते हैं मुख्य रूप से व्यापार के प्रकार, यानी जो व्यापार है वो कितने प्रकार का हो सकता है। अगर नॉर्मल व्यापार की बात की जाए तो अपन कहेंगे मुख्य रूप से दो प्रकार का व्यापार होता है भारत में, नहीं विश्व स्तर पर, एक होता है राष्ट्रीय व्यापार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार को अपन देशी व्यापार भी कह सकते हैं, जैसे देशी या आंतरिक व्यापार भी कह सकते हैं, कह सकते हैं राष्ट्रीय व्यापार को देशी या आंतरिक व्यापार। अब यह कैसे होता है, यानी अपने ही देश में जो विभिन्न राज्य हैं उनके मध्य जो व्यापार होता है उसको अपन मुख्य रूप से देशी व्यापार या आंतरिक व्यापार कहते हैं, यानी एक ही देश में अलग अलग राज्यों के साथ जो व्यापार होता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय व्यापार। फिर अगर बात की जाए विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय, या इसको कहते हैं बाह्य व्यापार। विदेशी का मतलब एक देश से दूसरे देशों के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब भी यानी एक देश और दूसरे देश के मध्य, दोनों जो दो देशों के मध्य जो आदान प्रदान होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कहो, विदेशी कहो, चाहे बाह्य व्यापार कहो, एक ही बात है। अब अपन बात करेंगे मुख्य रूप से जो व्यापार करने के लिए जो आधार होते हैं या जो प्रभावी कारक होते हैं उनके बारे में, उनकी विशेषताओं को जानते हैं कि उस वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं व्यापार को। जैसे अपन बात करते हैं व्यापार के आधार एवं प्रभावित करने वाले कारक, मुख्य रूप से चार पांच कारक हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे भौतिक संसाधनों की उपलब्धता की भिन्नता, जैसे मैंने यहां आपको बताया था कि जिस देश, दोनों देशों के मध्य व्यापार हो रहा वहां एक तो भौतिक संसाधन अतिरिक्त होने आवश्यक है, क्योंकि वहां अतिरिक्त होगा तभी अपन दूसरे देशों को भेजेंगे, और उनमें भिन्नता होनी जरूरी है। जैसे अपन के यहाँ पर भी लोहा इस्पात ज़्यादा, लोहा का उत्पादन ज़्यादा हो रहा, अमेरिका में भी लोहा ज़्यादा हो रहा, तो वो अपन से नहीं लेगा, या तो अपन के यहाँ के लोहे की क्वालिटी में फ़र्क होना चाहिए, या अपन कह सकते हैं वो बढ़िया किस्म का होगा तभी वो अपन से लेंगे, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर लोहे उपभोग की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा होगी तब वो अपन से लोहा लेगा। तो जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधनों की भिन्नता है वो भी क्या करती है, प्रभावित करती है व्यापार को।
तो जो ये मैं लिखा भौतिक संसाधन, यानी जो चीज अपन के पास में है, जैसे अब्रक है, लोहा है, कोयला है, जैसे जास्कर है, तांबड़ा है, गार्नेट है, जो चीज भारत के पास में ज्यादा है वही तो अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय उसका व्यापार करेंगे। तो या तो उस देश के पास उसकी उपलब्धता कम है, या वो देश ज्यादा उस चीज का उपभोग कर रहा, इसलिए वो अपन दूसरे देश से निर्यात करेगा। फिर अपन बात करते हैं औद्योगिक विकास की अवस्था में अंतर। जैसे अब औद्योगिक विकास व्यापार को किस प्रकार प्रभावित करेगा, जैसे अपन बात करें एक होते हैं विकसित देश और एक होते हैं विकासशील देश। तो विकसित देशों में उस चीज की खपत तो ज्यादा होती है, लेकिन वह वहां पर अभी उद्योग धंधों का जो विकास है चरम सीमा पर नहीं है। अभी वहां पर धीरे धीरे उद्योग लग रहे हैं, अब उनके पास कच्चा माल है, लेकिन उसको वो बड़े उद्योग धंधे नहीं है तो उसका उपभोग नहीं हो रहा है। और जो विकसित देश होते हैं वहां पर इतने बड़े बड़े औद्योगिक इंडस्ट्री लगी होती है कि वहां पर उपभोग की बहुत ही आवश्यकता होती है, तो वो एक दूसरे देशों से क्या करते हैं, माल को मंगवाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा खपत है, क्योंकि वहां कच्चे माल को फिर पक्के माल में वहां पर बदला जाता है, यानी जो कच्चा माल होता है उससे फिर उसको क्या करती है, उद्योगों में उसका उपयोग किया जाता है पक्के माल के रूप में। तो जो एक होता है कि जो औद्योगिक विकास की अवस्था, जो उद्योग धंधे हैं उनका विकास भी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करता, प्रभावित करता। जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश है, वहां सभी देश हैं जो विकसित श्रेणी के देश हैं, वहां पर उद्योग धंधों का ज्यादा विकास अवस्था में, जैसे अपन बात करते हैं कि अभी विकास हो रहा है, अभी चल रहा है, अभी चरम सीमा पर है, तो वहां पर चरम सीमा पर है, इतना ज्यादा तीव्र गति से वहां विकास है। फिर बात की जाए मनुष्यों की संस्कृति एवं दक्षता में भिन्नता व्यापार को प्रभावित करता। जैसे भारत की जो संस्कृति है वो विश्व के सभी देशों से अलग है, तो जो भारत की जो संस्कृति में जो वस्तुएं बनती हैं वो विश्व के, जैसे अपन कहते हैं विदेशी जो मेहमान आते हैं, जैसे फॉरेनर वगैरह आते हैं, अंग्रेज वगैरह, तो वो यहाँ से निर्मित जो वस्तुएं होती है संस्कृति से जुड़ी हुई, कंगन या चूड़ी वगैरह होती है, या चुनरी वगैरह होती है, जो यहाँ के कपड़े पोशाक वगैरह होती है, या पगड़ी वगैरह होती है, तो यहाँ से वो ले जाते हैं। तो इन चीज़ों की क्या है, खपत है व्यापार, तो ये भी एक तरह का व्यापार है संस्कृति का भी। यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ की दक्षता, जो यहाँ के लोग हैं कुशल कारीगर हैं, वो इस प्रकार की जो वस्तुएं बनाते हैं या हस्तशिल्प की ऐसी वस्तु बनाते हैं जो वहाँ पर नहीं होती है, तो उसका भी व्यापार होता है। फिर अपन बात की जाए जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कोई भी देश है वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है, कुछ चीज़ें उस जलवायु में नहीं होती है। जैसे अपन बात करते हैं कुछ कृषि फसलें होती हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु नहीं होती है कि वो सभी कृषि फसलें वहाँ के लिए उपयुक्त पर्याप्त हो, इसलिए वो क्या करते हैं फसलों का क्या करते हैं निर्यात करते हैं, या वो दूसरे देश मंगवाते हैं। तो इस प्रकार से जो देश वहां पर मंगवाएगा तो उन दोनों देशों के मध्य क्या होगा, आयात जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। यहाँ पे जैसे अपन कहेंगे भारत में चाय अधिक होती है तो भारत चाय का निर्यात करता है, तो भारत में जो चीज़ अधिक होगी वो क्यों अधिक हो रही है, क्योंकि जलवायु विभिन्नता यहाँ की अलग अलग, यहाँ की जलवायु है जो अलग है, तो अलग प्रकार के जो यहाँ पर कृषि फसलें होगी, और अमेरिका में अलग जलवायु तो वहाँ अलग प्रकार की कृषि फसलें होगी, अगर वहाँ की कृषि फसलें और यहाँ की कृषि फसलों में अंतर होगा तो वो एक दूसरे की जो व्यापार करेंगे फसलों का। तो इस प्रकार जलवायु भी प्रभावित करती है। फिर जनसंख्या वितरण की भिन्नता ये व्यापार को कैसे प्रभावित करती है, जैसे बात की जाए विकासशील देशों में भारत है, चीन है, इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश, इनकी जनसंख्या अधिक है और यहाँ मान लो कोई चीज़ की कमी है और दूसरे देशों में जनसंख्या कम है लेकिन वहाँ पर वो चीज़ अधिक उत्पादित हो रही है, तो अपन क्या करेंगे उस चीज़ का अपन बाहर से मंगवाएंगे, अपन उन दोनों दो देशों के बीच में व्यापार होगा जब अपन निर्यात करेंगे कोई चीज़ का या आयात करेंगे। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या वो भी एक महत्वपूर्ण आधार रखती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, जहाँ जिस चीज़ में जनसंख्या अधिक है वहाँ अधिक खर्च होगी, वो चीज़ अधिक उपभोग होगी, प्रति व्यक्ति उसकी क्षमता अधिक होगी। तो विकसित देशों से विकासशील देशों में कुछ ऐसी वस्तु होती है जो मंगवाई जाती है तो उनका व्यापार होता है। फिर अपन बात करते हैं परिवहन सुविधाओं में भिन्नता। जैसे अपन व्यापार करने के लिए अपन को परिवहन सुविधा भी एक महत्वपूर्ण अंग रखती है व्यापार के लिए। अब औद्योगिक वस्तु है, कच्चा माल पक्का माल है, लेकिन उनको आयात निर्यात करने के या आदान प्रदान करने के लिए साधन नहीं है अपन के पास में, परिवहन की सुविधा नहीं है, तो अपन किस प्रकार से व्यापार कर पाएंगे। तो इसलिए जो परिवहन है वो भी एक मुख्य भूमिका निभाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में।
फिर बात करते हैं जीवन स्तर एवं आर्थिक दशा में भिन्नता। अब जैसे मैं बात करूं विकसित देश और विकासशील देश, तो विकसित देशों में जो जीवन स्तर है वो उच्च है, और जो विकासशील देश है अभी भी वहां का जो जीवन स्तर है निम्न स्तर का जीवन स्तर है। वहां पर वस्तुओं के क्रय विक्रय करने की क्षमता कम है, वहां की जनसंख्या की जो क्रय विक्रय करने की वो क्षमता है वो कम है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी वो क्या है कम होता है यहाँ पर। तो इसलिए अपन बात करते हैं कि जो ये जीवन स्तर है और आर्थिक, ये भी क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। जहां का जीवन स्तर उच्च होगा वहां पर प्रति वस्तु की उपभोग की मात्रा ज्यादा होगी, और यहाँ विकासशील देशों में कम है प्रति व्यक्ति, अगर कोई भी चीज की अगर बात की जाए तो प्रति व्यक्ति उपभोग यहाँ पर कम है और वहां पर अधिक है। क्यों? क्योंकि वहां जीवन स्तर उच्च है तो वहां पर क्रय विक्रय की क्षमता अधिक है, खरीदने की बेचने की क्षमता अधिक है। फिर अपन बात की जाए सरकार की नीतियां। अब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सरकार की नीतियां, कुछ सरकारी नीतियां इस प्रकार से होती है जो व्यापार को बढ़ावा भी देती है और कुछ प्रोत्साहन नहीं भी देती है। जैसे भारत में किसी भी चीज की कमी हो रही है तो उसके लिए प्रोत्साहन नहीं देगी, और भारत में कोई चीज अधिक हो रही है तो उसके लिए सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी कि भारत खुद दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए तत्पर रहेगा और दूसरे देश भी भारत से आयात करने के लिए निर्यात करने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नीतियाँ हैं वो इस हिसाब से होती है। जो सरकारी नीतियाँ हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। सरकार अगर किसी भी दो देशों के मध्य राजनीतिक संबंध अच्छे हैं, सरकारी नीति अच्छी है, तो जहां वहां उन दोनों देशों के मध्य व्यापार अधिक होगा। जैसे भारत और अमेरिका की बात की जाए, विश्व में सबसे अधिक भारत अमेरिका, भारत रूस, इन देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा होता है। तो आज हमने मुख्य रूप से बात की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार की शर्तें, और व्यापार कितने प्रकार का होता है, और व्यापार के मुख्य आधार, व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी के बारे में अपन ने अध्ययन किया। थैंक यू।